हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। तो यहाँ पर देखिए, GUNS गन्स एंड RUNS रन्स, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। तो फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आसान है, बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो यहां पर डायरेक्ट आप वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। सो देखिए यहाँ पर जो जीएस है, जीएस क्या है, एक साइड है, वो इक्वल होगा यूएन के, वो इक्वल होगा यूएन के। इट इंप्लाइज जीएस कितना है, 3x, और यूएन कितना है, 18। तो यहां से हम बन गया हमारा इक्वेशन, और यहां से सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू मिलेगी 18/3 से डिवाइड कर देंगे ट्रांसपोज करके, 3 1 3 और 3 6 18, मीन्स एक्स की वैल्यू मिल चुकी है हमारा 6। अब हमें निकालना है बस वाई की वैल्यू, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। देखिए जीयू, जो ये जीयू होगा वो भी इक्वल होगा एस एन के, है कि नहीं, अपोजिट साइड आर इक्वल। सो जीयू कितना है, 3y-1, 3y-1, सॉरी 3y-1 इज इक्वल टू एस एन, एस एन कितना है, 26। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको वाई मिल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 26+1, और यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी 27/3, ठीक है, ये 27 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 और 3 9 27, सॉरी यहाँ पर 9 होगा आंसर। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है फर्स्ट केस में मिल चुकी है, ठीक है, पहली बार फर्स्ट में मिला है एक्स इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले के लिए। अब चलते हैं सेकेंड सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए सेकेंड में क्या करना है, यहां पर हम जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है, यहां पर मैं आपको बताता हूं, बाइसेक्ट करने का मतलब यह है कि ये मान लीजिए कि ओ है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लीजिए कि ओ है, तो एस ओ जो ये लेंथ होगा, एस ओ बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो ओ पॉइंट है वह एस यू को दो इक्वल भागों में डिवाइड किया है, मतलब कि एस ओ का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा ओ यू का, ओ से लेकर के यू तक का जो लेंथ होगा, मतलब 20 = y+7 हम कहेंगे। और ये जो लेंथ है आर एन, उसको भी, आर एन को भी जो ओ है वो बाइसेक्ट किया है, मतलब कि दो इक्वल भागों में डिवाइड किया है, मतलब कि जो ये 16 है, आर ओ क्या है, 16 है, वो इक्वल होगा x+y के, ओ एन के, ठीक है। तो हम बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहां पर ये पहले लिख देंगे जो प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं कि वी नो दैट, अच्छा यहाँ पे कलर डिफरेंस, वी नो दैट, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर सो क्या होगा, y+7 = 20, y+7 क्या है, ओ यू है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं y+7 = 20। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं y इज इक्वल टू हो जाएगा 20-7 मीन्स 13, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया, मीन्स y इज इक्वल टू मिल गया हमें 13, ठीक है। अब यहां पर हमें फाइंड करना है ये एक्स भी, तो यहां से देखिए यहां पर ओ एन जो होगा वो 16 के इक्वल होगा,
मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इट मीन्स यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 13 मिल चुकी है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो 16, ठीक है। और यहाँ पर रीजन में लिख सकते हैं सिंस वाई इज इक्वल टू 13, हमेशा हर जगह रीजन लिखना बहुत अच्छा रहता है, इसकी आदत डाल लीजिए आप, ठीक है। तो 16 माइनस 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरे केस में मिला है वो पहली बार y इक्वल टू 13 मिला है और x इक्वल टू दूसरी केस में 3 मिला है, तो यही आपके आंसर्स हैं। ओके, तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।